देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर के जो आरपी पब्लिक स्कूल का जो चैनल है उस पर मैं आज आपको फिजिक्स में क्लास 12th का और ये वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र चैप्टर है उसमें कूलाम का नियम आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छा समझाऊँगा, आप ध्यान से देखेंगे, आपकी समझ में ज़रूर आएगा। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। अब देखिए, कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम के नियम के बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि ये दो चार्जेस के बीच होता है। जैसे दो चार्जेस हैं, मान लीजिए एक प्लस का चार्ज है और दूसरा भी प्लस का चार्ज है, एक माइनस का चार्ज है दूसरा माइनस का चार्ज है, एक माइनस का है और दूसरा प्लस का है। तो देखो, प्लस प्लस के दोनों चार्ज हैं तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, इनमें होगा प्रतिकर्षण। और ये भी दोनों सेम चार्ज है, देखो ये प्लस प्लस के थे तो दोनों सेम आदत के थे, सेम पोलैरिटी के थे, तो देखो ये प्रतिकर्षण हो गया। ये भी तो सेम है, बस दोनों माइनस के हैं तो इनमें भी प्रतिकर्षण होगा। अच्छा, आप देखिए, एक माइनस है एक प्लस है तो इनमें आकर्षण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे मेन बात देखिए, सबसे पहले जो जानने की बात है वो ये जानने की है कि अगर दोनों चार्जेस प्लस के हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, और दोनों चार्जेस अगर माइनस के हैं तो भी प्रतिकर्षण होगा, और एक चार्ज माइनस का है और दूसरा प्लस का है तो आकर्षण होगा। आप देखिए, मान लीजिए एक चार्जेस ये रखा है और एक चार्जेस ये रखा है, दो चार्ज हमने रख दिए, और ये कहाँ रखे हैं? ये रखे हैं निर्वात में या वायु में। यहां पर या तो निर्वात है या फिर है वायु, माने निर्वात हो सकता है या वायु हो सकता है, माने जिस जगह ये रखे हैं वहां पर इन दोनों के बीच में या तो निर्वात होगा, निर्वात का मतलब कुछ नहीं होगा, या फिर होगी वायु। आप देखिए, ये चार्ज मैंने मान लिया प्लस का क्यू है और ये चार्ज मैंने मान लिया प्लस का क्यू है। अब दोनों में मैंने एक पहचान लगा दी, ये क्यू वन कर दिया, ये क्यू टू कर दिया। अब इनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो मैंने मान ली आर, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वन और क्यू टू, माने इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के समानुपाती होगा, कहने की इनके गुणा के समानुपाती होगा। माने ये ज़्यादा चार्जेस होंगे, कहने का मतलब ये बड़े बड़े चार्जेस होंगे, ज़्यादा पावर के चार्जेस होंगे, ज़्यादा कूलाम के चार्जेस होंगे, ये भी ज़्यादा कूलाम का चार्ज होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी। इनके बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के स्क्वायर के, माने इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कहने का मतलब दूरी अगर बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा, दूरी घटेगी तो फोर्स बढ़ जाएगा, उल्टा रिलेशन है। अब ये दोनों बढ़ेंगे तो ये फोर्स बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगी तो ये फोर्स घटेगा, और ये घटेगी तो ये फोर्स बढ़ेगा, यानी यहाँ पर रिलेशन उल्टा है और यहाँ पर रिलेशन सीधा है। अब हम दोनों को मिला देते हैं तो ये बन गया Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये कांस्टेंट का साइन है, ये जो समानुपाती का प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाएंगे तो ये कांस्टेंट लगाएंगे तो आगे K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब ये K का मान कितना होता है? K का मान होता है 9 × 10⁻¹। यूनिट निकाल लेंगे, इसकी हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। और इस के अंदर छिपा है 1/4 πε₀। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी है। ये क्या है? परमिटिविटी है, वैद्युतशीलता है निर्वात और वायु की, काय की है? फ्री स्पेस एंड एयर, फ्री स्पेस और एयर की परमिटिविटी है। अब एक फार्मूला इनसे और बन जाएगा, क्या फार्मूला बन जाएगा? देखिए, फार्मूला बन जाएगा, हम अब मैं ये के की वैल्यू यहां रख देता हूं तो एफ बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो एफ इसमें मान रख देंगे के का, तो 1/4 πε₀ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन गया। और इसकी यूनिट क्या आएगी? ये न्यूटन में आएगी। फोर्स की SI यूनिट क्या है? फोर्स की SI यूनिट सभी को पता होनी चाहिए, देखो न्यूटन होती है, क्या होती है? न्यूटन होती है। फोर्स को कहाँ में नापा जाता है? न्यूटन में नापा जाता है। आप देखिए, जैसे जैसे
अब देखो के का जो मान है वो के का मान हमने क्या निकाला, ये निकाला वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी भी तो कोई वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 8.85 10 की घात माइनस 12। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट के की ठीक उल्टी यूनिट होती है, तो के की यूनिट क्या है, देखो के की यूनिट ये है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब जो यूनिट के का होगा उसका ठीक अपोजिट यूनिट इसका होगा। तो देखो के का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, तो एप्सिलॉन का क्या है, कूलाम स्क्वायर ऊपर कर दिया, न्यूटन मीटर नीचे कर दिया। अब यहां पर एक चीज सीखने की और है, क्या सर ये बात यहां देखने की, आप सोच रहे होंगे बच्चों, देखिए मैं आपको बता देता हूं, वो बात मैं ये बता रहा हूं कि ये जो वैल्यू है 8.85 इसी वैल्यू पे तो डिपेंड है इस के का मान। भाई अगर ये वैल्यू देखो आप, फोर तो फिक्स है, देखो फोर तो कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो डिजिट है। ऐसी पाई का मान कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई का मान आपने सीखा है, पाई का मान होता है 3.14 और यह होता है 22/7। तो ये तो फिक्स वैल्यू हो गई ना भाई, पाई फिक्स हो गई और तुम्हारा फोर भी फिक्स हो गया। एप्सिलॉन डिपेंड करता है, एप्सिलॉन मीडियम के हिसाब से डिपेंड कर रहा है। अब ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है 8.10^-12, 8.85 10^-12, तो ये कब है, जब फ्री स्पेस हो जाए एयर हो। अब मान लीजिए फ्री स्पेस और एयर नहीं हुई, उसकी जगह कोई और कुछ हो गया, तो कोई और मीडियम हो गया, माने ये दो चार्जेस किसी और मीडियम में रखे हैं, तब इसकी वैल्यू बदल जाएगी, तब इसकी वैल्यू बदल जाएगी। तो इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होगी मीडियम के लिए ज्यादा होगी। कहने का मतलब यह है अगर मैं मीडियम की वैल्यू निकालूं, अगर मैं एप्सिलॉन एम निकालूं, तो एप्सिलॉन एम जो है वो एप्सिलॉन नॉट से बड़ा होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। एम का क्या मतलब हुआ, एम का मतलब हुआ फ्री स्पेस और एयर के अलावा कोई मीडियम हो, जैसे मान लो यहां पर कुछ और मीडियम हो, जैसे वाटर हो, कोई वायल हो, या फिर कोई और मीडियम रखा हो, एयर और फ्री स्पेस के अलावा कोई भी मीडियम रखा हो, तो उसकी जो परमिटिविटी होगी वो एप्सिलॉन नॉट की परमिटिविटी से ज़्यादा होगी। और जब एप्सिलॉन नॉट की परमिटिविटी से ज़्यादा होगी तो जो फोर्स बनेगा, अब इसका फोर्स बनेगा एफ एम, इसके फोर्स को नाम रख दिया एफ एम, तो एफ एम जो है वो कम हो जाएगा किससे, एफ नॉट से। कहने का मतलब फ्री स्पेस पे जो फोर्स आएगा वो सबसे ज़्यादा आएगा और जो मीडियम में फोर्स लगेगा वो कम आएगा। आप ध्यान से सुनिए, यहां पर एक चीज सीखने की बात और है, वो क्या है सीखने की बात, कि जो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, भाई ये भी प्लस तो मैंने पहले ही बताया प्रतिकर्षण कर देगा, प्रतिकर्षण का मतलब रिपेल करना, एक दूसरे को फेंकना, तो ये वाला चार्ज इसको फोर्स करके उधर फेंकेगा और ये वाला चार्ज फोर्स करके इधर फेंकेगा। तो जब ये वाला चार्ज इसको इधर फेंक रहा होगा तो ऐसे नहीं फेंकेगा, कहने का मतलब इसको जब ये यहां से रिपेल करेगा तो बिल्कुल इसी लाइन के अलोंग करेगा, इसी लाइन के अलोंग, जो ये लाइन है दोनों को जोड़ रही है इसी के अलोंग रिपेल करेगा। ऐसे ही ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा तो इसी लाइन के अलोंग रिपेल करेगा। ऐसा नहीं है ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है तो ये चार्ज इधर को चला जाए, एक बात तो ये ध्यान रखने की है। आप देखिए इसके बाद हमने क्या करा, अब हम फोर्स का और फार्मूला बनाते हैं, तो हम फार्मूला बनाएंगे फोर्स बराबर आ जाएगा, एफ एम का फार्मूला बनाए तो आ जाएगा 1/4 πε, अब यह एम है तो यहाँ एम आ जाएगा q1/q2/r². इसी प्रकार हम अगर यहाँ पर एयर लें तो आप लिख सकते हैं एफ नॉट के नाम से, मैंने एफ के नाम से दिखा दिया, आप एफ नॉट के नाम से दिखा सकते हैं, तब आएगा 1/4 πε0 और q1 q2/r². तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है ये वाला जो फोर्स है वो कम आएगा और ये वाला फोर्स है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है तो ये कम वैल्यू आएगी और ये कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि जब नीचे की चीज़ ज़्यादा होती है तो रिजल्ट कम आता है। इसका मतलब एफ एम जो है वो लेस देन होगा एफ नॉट से, और ये क्यों होगा, क्योंकि ई एम एप्सिलॉन नॉट से बड़ा है। तो ये चीज़ आपको समझाने की थी, वो हमने आपको समझा दी यहाँ। इसके बाद देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसकी जो सीमाएँ क्या हैं, कूलाम के बल की सीमाएं, कूलाम के बल की सीमाएं याद कर लो, यानी कि लिमिटेशन सिखा रहे हैं। क्या है लिमिटेशन, कूलाम का नियम कहाँ कहाँ लगेगा? तो देखिए कूलाम का नियम, पहली बात
जो पहला पॉइंट है वो याद करने का, वो ये है कि कूलाम का नियम हमेशा वहाँ लगाएंगे जहाँ पर चार्ज बहुत बड़े रहा हो। कहने का मतलब ये चार्ज है एक इतना बड़ा और ये एक चार्ज है इतना बड़ा, ये भी प्लस प्लस पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी प्लस प्लस है और इस बराबर वाले पे भी प्लस प्लस है। तो देखो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, देखो इसकी रेडियस बहुत बड़ी है। देखो आप, मैं इसकी रेडियस को बड़ा मान लेता हूँ, इसकी रेडियस ज़्यादा है, इसकी तो यहाँ पर कूलाम का नियम फॉलो नहीं करेगा। दूसरा क्या है, दूसरा कूलाम का नियम क्या है, दूसरा कूलाम का नियम है दोनों चार्ज स्टैटिक होने चाहिए। इसका मतलब मैंने जो पहला नियम बताया कि जब बड़े चार्ज होंगे, बहुत बड़े चार्ज होंगे जिनके क्या है, जिनकी रेडियस क्या है, रेडियस इनकी बड़ी है, तो उस केस में ये जो कूलाम का नियम है वो नहीं लगेगा, ये केवल पॉइंट चार्ज पे लगता है। पॉइंट चार्ज माने चार्जेस बहुत छोटे होने चाहिए, पॉइंट के जैसे होने चाहिए, बिंदु के जैसे होने चाहिए, हिंदी में पॉइंट को बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा नियम क्या है कि चार्जेस कैसे होने चाहिए, चार्जेस स्थिर होने चाहिए। आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, स्थिर आवेश पे लगेगा। स्थिर आवेश कहने का मतलब चार्ज मूव ना कर रहे हो, कहने का मतलब है एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये है, अब दोनों चार्ज चल रहे हैं, ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, दोनों मोशन में है, तो कूलाम का नियम नहीं लगेगा। इसी प्रकार तीसरा नियम क्या है, कब लग जाएगा, जब एक चार्ज रुका हुआ हो और एक चार्ज मोशन में हो तब ये कूलाम का नियम लग जाएगा। जैसे मान लो ये वाला चार्ज है, ये मूव कर रहा है इधर को और ये स्टैटिक है, तब लग जाएगा। कहने का मतलब ये भी स्थिर है, ये स्थिर है, स्थिर, या हम कहें ये गतिशील है, ये वाला मैंने गतिशील बताया था, तो ये मोशन में है और ये भी मोशन में है, तो कूलाम का नियम नहीं लगेगा, ध्यान रखना। और ये स्थिर है और ये चल रहा है, ये मोशन में है, तो कूलाम का नियम लग जाएगा। अब यहाँ पर बड़े बड़े चार्जेस हैं तो यहाँ नहीं लगेगा, ये पॉइंट है याद रखने के। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, इसकी एक और खासियत है, आपने एक और बल पढ़ा होगा, दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल, दो द्रव्यमानों के मध्य बल लगता है, एक द्रव्यमान ये है M1 और एक द्रव्यमान ये M2 है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यहां मैं आपको गुरुत्वाकर्षण बल भी समझा देता हूं, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों के बीच की दूरी, देखिए r है, ये m1 m2 है, तो हमने ये आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों को मिलाएंगे बिल्कुल ठीक उसी तरह से, तो ये आ जाएगा, समानुपाती का चिन्ह लगा दो तो आ जाएगा m1 m2 बटे r स्क्वायर, ये हटाएंगे साइन तो आएगा जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो जी का मान है, ये जी का मान होता है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। ये क्यों मैंने बताया, ये बताना जरूरी है क्योंकि इस बल में और इस बल में दोनों का कंपैरिजन जरूरी है, इन दोनों की तुलना क्या है, इन दोनों की तुलना ये है कि ये वाला जो फोर्स होता है वो सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, आकर्षण की प्रकृति होती है, जबकि आपने देखा होगा इनमें क्या होता है, इनमें प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों प्रकृति का बल होता है, ये दोनों प्रकृति का बल है आकर्षण, और इसमें प्रतिकर्षण दोनों तरह का है, माने आवेशों के बीच आकर्षण भी लग सकता है, प्रतिकर्षण भी लग सकता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की अगर मैं इस बल से तुलना करूं तो उसमें सिर्फ आकर्षण होता है, उसमें सिर्फ आकर्षण होता है, और दोनों ही दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हैं, ये नियम तो दोनों में समान है, लेकिन जी का मान भी देखो चेंज है, देखो इसका जी का मान कितना कम है, जी का मान बहुत कम है, और इसमें जो है के का मान, ये जो के का मान मैंने लिखा है ये बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला फोर्स है इसको हम इस फोर्स को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, तो इस फोर्स को हमने एक नाम दे दिया, इसको हम किस नाम से ड्रॉट करेंगे, एफ जी नाम से हमने इसे शो कर दिया। तो मैं इन दोनों में क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको, क्या कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ इस जी के मान से, देखो जी का मान बहुत कम है और इसमें के का मान बहुत बड़ा है, कितना है साहब, 9×10⁻⁹ है के का मान, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ ई फोर्स है जो एफ नॉट जिसको मैंने बोला था ई इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर नहीं होते हैं,
बल्कि क्या होते हैं, बराबर ना होके दोनों में ये वाला बड़ा होता है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये दोनों फोर्स बराबर नहीं हो सकते, ये वाला बड़ा होगा। यानी एफ ई फोर्स, कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा होता है। अच्छा एक चीज़ और है, इसको क्या कहते हैं, इस जी को क्या कहते हैं, इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, मैं यहां लिख दे रहा हूं जी का नाम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसका नाम है, ये कभी भी बदलता नहीं है। एक और चीज ध्यान रखने की है, ये कभी भी नहीं बदलता है। कहने का मतलब किसी भी मीडियम में हम चले जाएं, चाहे फ्री स्पेस हो, चाहे वाटर मीडियम हो, चाहे एयर हो, या फिर कोई और मीडियम हो, कोई दो दो ऑब्जेक्ट, ये जो मैटर है, ये दो M1 M2 मास के, ये चाहे वायल में रखे हों, चाहे वाटर में रखे हों, किसी भी जगह रखे हों, लेकिन जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये जी, ये कभी नहीं बदलेगा। जबकि मैंने बताया था तुम्हें K का मान बदल सकता है, K का मान 9×10^9 है, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है। क्यों चेंज हो सकता है, क्योंकि एयर और फ्री स्पेस के लिए तो यही होता है। अगर इसके अलावा मान ली एयर और फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम आ गया, तो इस K का मान बदल जाएगा। ये दोनों में कंपेरिजन बता दिया मैंने, गुरुत्वाकर्षण बल, इस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और इस बल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जो एफ ई है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इन दोनों में ये मैंने कंपेरिजन बताया, इसके अला आगे मैं और बताऊंगा, अभी बहुत कुछ है इसमें समझाने का। चलिए इतना आप नोट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं उसी के आगे, जब अभी जो अभी मैंने जितना पढ़ा उसके आगे देखिए, मैं दो न्यूट्रॉन के बीच या प्रोटॉन के बीच या इलेक्ट्रॉन के बीच आपको कंपेरिजन करना सिखाऊंगा कि उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा और कूलामी बल कितना होगा। तो मैंने यहाँ पर तुलना कर रहा हूँ दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य कूलाम बल, मैंने कूलामी बल, एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। देखिए कितना अच्छा टॉपिक है ये, फिर से देखें, दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य, यहां ऐसे कर दिया हमने, दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य कूलामी बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। कैसे तुलना करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन ये मान लिया और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन ये मान लिया, बीच की दूरी दोनों कंडीशन में समान रहेगी क्योंकि तुलना कर रहे हैं। तो ये दूरी हमने मान ली r, ये वाला जो इसका जो आवेश है वो होता है 1.6×10^-19 कूलाम, और इसका होता है वो भी होता है 1.6×10^-19 कूलाम। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के बीच माइनस होगा, लेकिन हम चिन्ह को लेंगे नहीं क्योंकि बल में चिन्ह नहीं लिए जाते। अच्छा कूलाम में है दोनों। अच्छा इनके द्रव्यमान क्या होते हैं, द्रव्यमान इनके होते हैं 9.1×10^-31 kg, और इसका होता है 9.1×10^-31 kg। तो ये तो इनके मास हो गए, ऊपर इनके आवेश हो गए। तो मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूँ, सबसे पहले निकाल रहा हूँ कूलामी बल, क्या निकाल रहा हूँ कूलामी बल। तो कूलामी बल के लिए हमें चार्ज क्या लेना पड़ेगा, Q1 का मान कितना है 1.6×10^-19। दूसरा Q2 क्या है, Q2 भी 1.6×10^-19 है। इनके बीच में बल निकालता हूं Fe, उसको मैंने नाम दे दिया Fe, कूलामी बल है इससे Fe नाम दे दिया, 9×10^9, यानी ये लिखो ही मत, या फिर K लिख दो, अभी हम K लिख दे रहे हैं, K Q1 Q2/R2। दूसरा हम निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण के लिए Fg, तो Fg कैसे निकालेंगे, तो यहाँ G आएगा, M1 M2/R2। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड, दोनों को उठा के भाग कर दिया, दोनों को उठा के भाग कर दे रहे हैं, तो Fe अपॉन Fg, तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2/R2, भाग करेंगे तो ये पलट जाएगा R² / G M1
एम टू, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आया के क्यू वन क्यू टू बटे जी एम वन एम टू, ये आया। अब चूंकि क्यू वन क्यू टू बराबर हैं, इसी प्रकार एम वन एम टू भी दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ई अपॉन एफ जी बराबर के क्यू स्क्वायर बटे जी एम स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर है ना भाई, दोनों के चार्जेस बराबर हैं। देखो ये चार्ज और ये चार्ज और ये वजन और ये वजन, इनके मास दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम वन एम टू पहचान की जरूरत नहीं है, क्यू वन क्यू टू पहचान की जरूरत नहीं है, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब एफ ई अपॉन एफ जी लिख देंगे हम यहाँ, एफ ई अपॉन एफ जी, के का मान, के का मान होता है ये देखिए, के का मान है फिर से उतार दे रहे हैं, के क्यू अपॉन जी एम स्क्वायर, ये आया। के का मान हो गया 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू का मान हो गया 1.6 गुणा 10 की घात -19। कितनी बार लिखेंगे, दो बार लिखेंगे, दो बार लिखो या फिर स्क्वायर लगा दो, बात बराबर है। जी का मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11, और इसका मान एम का मान है 9.1 गुणा 10 की घात -31, और इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया एफ ई अपॉन एफ जी, फिर से लिखेंगे एफ ई अपॉन एफ जी बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 9, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 19 दूनी 38 घात हो गई, कितनी हो गई 38, ये 1.6 दो बार लिख दिया, 1.6 गुणा 1.6 19 दूनी 38 घात हो गई, 38 में से हमारे ये 9 चले जाएंगे, तो ये होगा माइनस के 38 प्लस के 9, भाई ये तो 38 माइनस के कहलाएंगे 19 दूनी 38, और ये तो प्लस है यह, क्योंकि यहां प्लस चिन्ह है तो ये जुड़ेगा। इसी प्रकार से 6.67 आ गया, 9.1 कितनी बार आएगा, दो बार आएगा, क्योंकि क्यों आएगा दो बार, स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 31 दूनी 62 घात ये हो गई और 11 ये हो गई, तो 10 की घात हो जाएगी 62 और माइनस के 11। अब हमने क्या करा, ये संख्याएं हैं, पहले हम घातों का एडजस्टमेंट करते हैं, तो घातों का एडजस्टमेंट कितना करेंगे, 29 बचेगी हमारे पास, कितनी घात बचेगी भाई, 19 दूनी 38 है भाई, 9 चले गए तो 29 घात बची, कितनी बची 29, तो 10 की घात हमने लिख दी 29, 29 घात लिख दी। अब यहां से कितनी आ रही है, ये 73 आ रही है, 73 आ रही है, अब ये 73 ऊपर चली गई, 73 ऊपर जाकर प्लस हो गई, ये सब ऐसी रहने दिया हमने, पॉइंट से पॉइंट हटा लो चाहे तो ये हो गए 9 और 16 गुणा कर दी 256 हो गए, ऐसे ही ये 6.67 उतार लो, और हमने ये उतार लिया 91 को कितनी बार लिख दो, दो बार ऐसे लिख दो, ये आ गया हमारा, तो ये ऊपर लिख दिया एफ ई अपॉन एफ जी। तो ये घात कितनी बची, देखिए 73 है, 73 में से हमने 29 घटा दिया, तो कितने बचे 13, 13 में से 9 गए 4, 9 4 13 यहाँ बचे तुम्हारे 6, यहाँ बचे 4, तो 44 घात बची, कितनी घात बची 44, तो हमने लिख दिया 9 और 256 अपॉन 6.67 और 10 ये 91 का स्क्वायर, तो ये आ गई घात 44 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए यहाँ क्या रिजल्ट निकाल के मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्रॉस गुणा कर दो आपका मतलब एफ जी, एफ ई बराबर तिरछी गुणा हो गई, तो ये आ गया 9 गुणा 256 बटे 6.67 और 91 की पावर 2, 10 की घात 44, और ये एफ जी इधर आ गया, तो इस पूरे को अगर मैं ब्रैकेट बंद कर दूँ तो ये आ गया एफ जी। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ये जो एफ जी वो बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये एफ ई देखो कितना ज़्यादा है, एफ जी कितना कम है, इस लाइन से तो यही सिद्ध हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूँ कि एफ जी जो एफ ई है वो ग्रेटर देन है, मच ग्रेटर देन किससे, एफ जी से। इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको, कूलाम के नियम से और गुरुत्वाकर्षण के नियम से दो इलेक्ट्रॉन, चाहें तो आप यही चीज़
प्रूव कर सकते हैं, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, यही चीज इलेक्ट्रॉन के लिए तो मैं कर चुका, प्रोटॉन के लिए आप करके देख सकते हैं होमवर्क में, और न्यूट्रॉन के लिए करके देख सकते हैं। बस आप इलेक्ट्रॉन के लिए जब यूज करेंगे तो चार्जेस मत बदल, न्यूट्रॉन के लिए वो प्रोटॉन के लिए जब यूज करें तो ये चार्जेस मत बदलना और ये मास बदल लेना, क्योंकि प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 27 केजी होता है, तो आप चेंज करके दोबारा कर सकते हैं, तब भी आप देखेंगे ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बीच तो ये कंपैरिजन हमें मिल गया, तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम और टॉपिक पढ़ाते हैं, इनका हम पढ़ाएंगे आपको सुपरपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलेगा आवेशों के माने सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, यानी आवेशों का अध्यारोपण, आवेशों का अध्यारोपण सिखाएंगे या सुपरपोजिशन, इसे सुपरपोजिशन भी कहते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या होता है वो हम आपको सिखाएंगे। तो क्या होता है सुपरपोजिशन, देखिए मैं आपको सिंपली बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एक चार्ज ये रखा है, इसको हमने नाम दे दिया Q1, और एक चार्ज रखा है ये दूसरा Q2, तो इनके बीच में जो फोर्स डिस्टेंस मान लो यार, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को आप क्या नाम दोगे, भाई इस वाले पे कोई फोर्स लग रहा होगा तो 2 वाले पे फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, तो मैंने नाम दे दिया F21। अरे भाई 2 वाले पे फोर्स लग रहा है इसकी वजह से लग रहा है, तो इसको रिपेल करेगा, मान लो इसके फोर्स का डायरेक्शन ये है, ये इसको पुश कर रहा है ना उधर की तरफ, दोनों पॉजिटिव मान लिए, जनरली पॉजिटिव ही मानना है, तो माने 2 पे लग रहा है, 1 की वजह से लग रहा है, तो F21 हमने नाम दे दिया। कितना फोर्स लगेगा साहब, लगेगा के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा। अब मान लीजिए एक चार्ज और आ गया, एक चार्ज ये आ गया, ये Q3 आ गया, इसको Q3 हमने नाम दे दिया, Q2 लिख गया, Q3 लिख दे रहा है, तो ये अब इन दोनों के बीच तो पहले से फोर्स लग रही थी इतनी, अब ये तीसरा चार्ज आ गया तो इसकी वजह से भी ये फोर्स फील करेगा, तो मान लो इसे भी ज्वाइन कर दो, अब ये भी इसे रिपेल करेगा इधर की डायरेक्शन में, तो एक फोर्स और बढ़ गई इस पर, तो इस किसकी वजह से बढ़ी, 3 की वजह से, तो 2 पे लग रही 3 की वजह से, तो 2 पे लग रही है 3 की वजह से, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, के Q2 Q3 बटे, अब ये दूरी है R है, इसको भी R मान सकते हो, चाहो तो इसको कुछ और नाम दे दो, R1 नाम दे दो, तो R1 स्क्वायर हो जाएगा। तो देखा आपने, यानी कि इस पे लगने वाली फोर्स बढ़ गई, अब ये डबल फोर्स फील करेगा ना, एक फोर्स तो ये इसकी वजह से महसूस करेगा एक इसकी। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात समझने की है, जो बच्चे नहीं समझते हैं, सुपरपोजिशन तो समझ जाते हैं लेकिन इसका रीजन नहीं समझ पाते, इसमें हुआ क्या हुआ, ये कि जो Q2 चार्ज है वो इसकी वजह से जितना फोर्स फील कर रहा था वो पहले अब भी उतना ही करेगा, तीसरे चार्ज के आने के बाद और ज़्यादा करने लगेगा, लेकिन इन पहले वाली फोर्सेस के फोर्सेस में कोई अंतर नहीं आएगा, जो इनके बीच जो बल लगेगा पहले जो इतना लग रहा था वो अब भी उतना ही लगेगा, लेकिन इसके आने से इस पर बढ़ जाएगा, तो पहले वाले फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, कुछ तो नहीं पड़ेगा, नेट फोर्स बढ़ जाएगी, हाँ तो नेट फोर्स बढ़ जाएगी, यानी कि एफ यानी कि जो ये वाला जो Q2 चार्जेस है इस पर नेट फोर्स अगर मैं निकालूं तो एफ नेट कितनी हो जाएगी, तो एफ नेट हो जाएगी दोनों के सम के बराबर, यानी कि किसके सम के बराबर, इसके सम के बराबर और इसके सम के बराबर। वेक्टर साइन क्यों लगाया, क्योंकि वेक्टर साइन इसलिए लगाए हैं हमने क्योंकि ये सदिश राशि है। बल कैसी राशि होती है, देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं, बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि अभी हम इसके बाद बताएंगे, अभी और टॉपिक पढ़ाएंगे इसके बाद। देखिए स्टूडेंट्स, बल एक सदिश राशि है, मैं वहीं से कैरी ऑन करता हूं, तो देखिए बल एक सदिश राशि है, मैंने लिखा था बल सदिश राशि है। सदिश का क्या मतलब होता है, सदिश का मतलब होता है जिसमें परिमाण हो और परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो,
बस उसे सदिश कहते हैं। तो देखो भाई, बल में, बल सदिश है ना, क्योंकि बल में परिमाण भी होता है और बल में दिशा भी होती है। क्योंकि आपने पढ़ा था, दोनों बल अगर प्लस के हों तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दो एक बल अगर प्लस हो एक माइनस हो तो दोनों प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब दिशा है ना, उसमें परिमाण भी है और बल की जो विमा होती है, ये भी याद कर लो बच्चों, बल की विमा भी मैं लिख दे रहा हूँ, पूछ लेता है कभी कभी, बल की विमा होती है MLT-2, MLT-2, और विमा को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, तो ये इसकी विमा हो गई MLT-2। तो हमारा जो टॉपिक है अभी पूरा नहीं हुआ है, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत चल रहा है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत मैंने ये बताया है कि अगर ये एक चार्ज ये रखा है Q1, एक चार्ज ये रखा है Q2, एक चार्ज रखा है Q3, और इन तीनों की जो डिस्टेंस है, जैसे मान लो ये डिस्टेंस, ये वाला चार्ज, ये दूरी आर है, ये दूरी भी, ये चलो मैंने R1 कह दिया, तो R1 कह देता हूँ। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसकी वजह से भी लगेगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इसकी वजह से भी लगेगा। तो यानी कि कितना फोर्स फील करेगा, तो यानी कि एफ नेट जो Q2 है, जो ये Q2 चार्ज करेगा फील, वो इतना करेगा, देखो इन दोनों की वजह से करेगा। तो आप कैसे निकाल लो, निकाल लो, देखो के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर प्लस ये इसकी वजह से ही फील करेगा, फिर निकाल लो Q2 Q3 बटे R1 स्क्वायर। ये नेट फोर्स आया किसके ऊपर, आया टू के ऊपर। अगर मैं आपसे कहूं टू चार्ज जो सेकंड नंबर का चार्ज है उसके ऊपर, अगर फर्स्ट मैं इसको नाम दे दूं और सेकंड इसको नाम दे दूं, थर्ड इसको नाम दे दूं, तो ये देखिए बच्चों, तीन का अध्यारोपण बता रहे हैं, जब तीन चार्जेस रखे हों तो किस प्रकार से उनका अध्यारोपण होगा। तो देखिए, पहला एक चार्ज ये है और एक दूसरा चार्ज यहाँ ट्रायंगल पर रखे हुए हैं। ये ट्रायंगल जो है वो समरूप त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, इसे कहते हैं समरूप त्रिभुज। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हो गया सी पॉइंट। यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, और एक चार्ज यहाँ है। इस चार्ज को हमने प्लस क्यू कह दिया, इस चार्ज को भी मैंने प्लस क्यू कह दिया, इस चार्ज को भी प्लस क्यू कह दिया। ये जो साइड है वो ए है, इस साइड का नाम मैंने, इसकी भी डिस्टेंस ये है, माने लेंथ इसकी ए है, इसकी भी लेंथ ए, और ये भी लेंथ ए है। आप देखिए यहाँ पर जो चार्ज है ये वाला, ये चार्ज कितना फोर्स अपने ऊपर फील करेगा इन दोनों की वजह से। तो एक फोर्स तो ये, एक फोर्स का डायरेक्शन तो ये चला जाएगा और एक फोर्स का डायरेक्शन इधर से जाएगा, क्योंकि भाई ये जो चार्ज है ये इसकी वजह से ही फोर्स फील करेगा और इसकी वजह से ही फील करेगा। तो क्या होगा, दो चार्ज हो गए। अब इसको मैं क्या नाम दूं, तो इसको मैं एक नाम दे दे रहा हूं, मैंने नाम दे दिया F1, इसको नाम मैंने दे दिया F2। अब चूंकि चूंकि ये समरूप है तो ये भी 60 डिग्री एंगल होगा, और ये भी 60 डिग्री एंगल होगा, और ये भी 60 डिग्री एंगल होगा, सारे 60 डिग्री होंगे, क्योंकि तीनों ट्राइंगल को हम डिवाइड कर देंगे। ऐसे होता है ना, देखो तीनों में ये वाला फार्मूला तो लगेगा, ए प्लस बी बराबर 180, तीनों का सम 180 होता है। अब चूंकि ये साइड बराबर है, जब साइड बराबर हैं तो इनके एंगल भी बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं ए, यानी कि इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ए बराबर बी बराबर सी, यानी कि 180 अपॉन 3, तो ये कितना हो गया, डिवाइड करो 60 आ गया, नहीं आ गया, तो इस तरह से हमने निकाल लिया 60 आएगा। अब चूंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल वो वर्टिकल अपोजिट है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला 60 है तो ये भी 60 होगा। आप देखिए दोनों फोर्स को हम निकालना है, तो हमने सबसे पहले निकाला F1। F1 बराबर क्या होता है, के Q1 Q2, तो Q1 भाई इसकी वजह से Q1 Q2 दोनों सेम, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, तो आएगा क्यू क्यू, और डिस्टेंस है ए स्क्वायर, तो ये हो गया। इसी प्रकार से हम ये F1 निकले, F2 निकालेंगे, तो F2 क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा के क्यू क्यू बटे ए स्क्वायर, ये दोनों आ गए। अब इनका जो रिजल्टेंट है, अब एक, अब बात सुनिए, एक चार्ज पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इनका जो नेट फोर्स होगा वो इनके बीच से जाएगा, यानी कि यहां से जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये F1 F2 बराबर है, F1 F2 बराबर है, क्योंकि F1 बराबर F2, तो बराबर होने की वजह से जो इनका रिजल्टेंट है वो बीच से जाएगा,
यानी रिजल्टेंट फोर्स F जो है वो बीच से जाएगा, F नेट कह सकते हो आप, F नेट बीच बीच में से जाएगा। तो F नेट का फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला हमने पढ़ा है F बराबर होता है रूड F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, cos थीटा होता है। अब हम इसमें कौन सा थीटा लेंगे, इसमें थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे, 60 लेंगे, चूंकि थीटा बराबर 60 है तो F बराबर क्या हो जाएगा, F लिख दो या F नेट लिख दो, तो यहाँ हो जाएगा F1 चूंकि बराबर है तो F स्क्वायर F2 स्क्वायर, 2 मत लिखो F ही लिखो, ये 2F और F cos 60। क्यों ऐसा करा हमने, पहचान आइडेंटिटी, ये बंटू क्यों नहीं लगाए, बंटू इसलिए नहीं लगाए बराबर है, ये दोनों की वैल्यू बराबर है। देखो अब हमने क्या किया, वैल्यू रख दी यहाँ पर, तो ये हो गया F, ये हो गया F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और इसकी वैल्यू होती है 1/2, 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस ये भी 2 कैंसिल हो गया F स्क्वायर तो ये हो गया 3F स्क्वायर, 3F स्क्वायर हो गया, 3F स्क्वायर में से 3 बाहर आ गया मतलब F बाहर आ गया और रूट 3 अंदर रहा तो रूट 3F हो गया, रूट 3 ऐसी रहा, F की वैल्यू कहाँ है, तो F की वैल्यू चाहे तो ये रख दो चाहे ये, दोनों बराबर वैल्यू हैं। तो हमने लिख दिया K Q Q बटे A स्क्वायर, तो ये हो गया रूट 3 K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, इसी को कहते हैं F नेट, ये आपका निकल के आ गया। अब अगर Q की वैल्यू दी होती तो वैल्यू रख देते और A की वैल्यू रखती दी होती तो वैल्यू रख देते तो ये अंकों में आ जाता और इसको हम कहेंगे न्यूटन। तो आप समझ गए होंगे तीन का अध्यारोपण क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स इसी को समझाते हैं, इस वाले को हम आगे टॉपिक को लेते हैं। तो ये वाला जो सी पे यानी कि चार्जेस सी पे, नेट फोर्स ऑन सी चार्जेस, एट पॉइंट सी, जो सी पॉइंट है उस पर जो चार्ज रखा है वहां नेट फोर्स निकालना हूं, तो देखो कितनी फोर्स फील करेगा ये, इसकी वजह से भी इसकी, तो यानी कि गिनो एक फोर्स यहां हो गई, एक की वजह से, इसकी वजह से दो और इसकी वजह से तीन फोर्स इसके ऊपर आ गई, तो मैं तीनों फोर्स को निकालता हूं। तो पहले मैं सबके नाम दे देता हूं, इस वाले को मैंने नाम दे दिया F1, इस वाले को मैंने नाम दे दिया F2 और ये जो लगाएगा फोर्स वो है F3। तो पहले F1 निकाल लो, तो F1 कितनी होगी, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, F2 निकाल लो तो F2 कितनी होगी, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, निकल गई, चूंकि दोनों F1 और F2 कैसी होंगी, बराबर होंगी, नाम दे दिया मैंने इसको F, क्योंकि दोनों बराबर हैं क्योंकि सेम वैल्यू रखी है ना। अब ये वाली जो है वो इसका डायगनल है, तो देखो इसको AC, AC वर्ग का विकर्ण है, एसी वर्ग का विकर्ण है, तो विकर्ण कितना होगा, विकर्ण एसी, एसी को निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो टू ए स्क्वायर ए रूट टू, तो एसी साइड कितनी होगी, ये जो एसी साइड है ये ए नहीं होगी, इसकी लेंथ होगी ए रूट टू, तो ये वाला एफ थ्री फोर्स निकालेंगे तो एफ थ्री कितना आएगा, एफ थ्री आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, तो यानी कि इसका स्क्वायर करोगे टू ए स्क्वायर आएगा, तो ये हो गया टू ए स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर वाली संख्या तो आएगी। तो अगर मैं निकालूं एफ नेट, एफ नेट, एफ नेट किसके ऊपर, सी वाले के ऊपर, सी वाले पॉइंट के ऊपर निकालना हूं एफ नेट, बड़ा कर देना है इसको, तो कितना आएगा तीनों का सम। अब किस तरह से जोड़ोगे, देखो ये इधर चला गया ये इधर चला गया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है यहां 90 बनना है तो इनका रिजल्ट भी इधर ही आएगा और एक फोर्स इधर जा रही है, तो इनका रिजल्ट ले लो पहले, पहले F1 और F2 का रिजल्ट ले लो, तो F1 F2 का रिजल्ट क्या आएगा, F1 F2 का रिजल्ट आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर और F3 इसमें ऐसे ही ऐड हो जाएगा। अब ये वाला आप कहोगे सर इसके आगे का नहीं लिखा, इस क्योंकि पूरा फार्मूला क्या होता है बच्चों, पूरा फार्मूला देखो ये होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा होता है ना, तो हम 90 लेंगे, फार्मूले में थीटा होता है इससे पहले मैंने बताया था, लेकिन हम 90 लेंगे, क्यों लेंगे 90, क्योंकि ये वाला जब फोर्स इस पे एक्ट करेगा और ये वाला फोर्स जब एक्ट करेगा तो पूरा एंगल 90 बनेगा,
और 90 बनेगा तो ये 90 यहाँ यूज होगा, और जब ये 90 यूज होगा तो यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉज 90, चूंकि कॉज 90 इक्वल टू जीरो, तो ये सब कैंसिल आउट होते, दो ही तो बचेंगे, तो मैंने दो ही तो लिखे हैं। तीसरा वाला ऐसे ही ऐड हो जाएगा, तीसरा वाला ये जा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्ट भी इधर, इन दोनों से बना रिजल्ट भी इधर, और इसका खुद का रिजल्ट भी इधर, तो दो एरो आ गए इधर वेक्टर क्वांटिटी, तो एफ नेट में डबल एरो आएगा। तो एफ नेट, अब ये क्या हो गया, एफ नेट अगर मैं, चूंकि ये बराबर है, बराबर है, तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया बराबर, तो बराबर है तो हम लिखेंगे एफ वन स्क्वायर, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, पहचान नहीं लगाएंगे, और ये एफ थ्री, तो टू एफ स्क्वायर हो गए, टू एफ स्क्वायर, ये रूट लग गया एफ थ्री। अब देखिए रूट टू तो अंदर रहेगा और एफ बाहर आ जाएगा, और एफ थ्री ऐसे ही रहेगा। अब रूट टू ऐसे ही रहेगा, एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू कोई सी उठा लो, दोनों ही एफ की वैल्यू है, चाहे ये उठा लो चाहे ये, तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एफ थ्री, एफ थ्री ये है के क्यू स्क्वायर बटे टू ए स्क्वायर, ये हो गया एफ नेट सी। तो इतना नेट चार्ज, नेट चार्ज कार करेगा। चाहो तो आप इसे और कर सकते हो, और चाहो तो और कर सकते हो, मैं करके दिखा देता हूँ। देखो क्या कर सकते हो आप, के क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ले लो के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा रूट टू प्लस वन बाई टू, तो ये भी आप लिख सकते हो, बस इससे ज्यादा हल नहीं करो, और आंसर इसका कायम आएगा न्यूटन में आएगा। तो देखा आपने, ये सुपरपोजिशन है, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, और भी इसमें बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम बनेंगी, वो मैं आपको समझाऊंगा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए स्क्वायर है एक, मान लो एक प्रॉब्लम और लेते हैं हम, एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के कॉर्नर पे जो ए कॉर्नर है यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, इस कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज है, इस कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज है, इस कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी है, और मैं आपसे कहूं कि एक चार्ज यहां रखा हुआ है जिसका, जिसकी वैल्यू भी मैंने प्लस क्यू मान ली। अब यहां पर मुझे नेट फोर्स निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, देखो यहां नेट फोर्स कैसे आएगी, ये इसको रिपेल करेगा भाई, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इसका डायरेक्शन तो ये चला गया इधर की तरफ, और ये इसको रिपेल करेगा तो इसका डायरेक्शन इधर आ गया, ऐसे ये इसको रिपेल करेगा तो इसका डायरेक्शन इधर चला गया, ऐसे ये इसको रिपेल करेगा तो इसका डायरेक्शन इधर चला गया। तो आपने देखा ये चार फोर्स फील कर रहा है, यानी कि जो सेंटर चार्ज है, ये जो सेंटर पर रखा हुआ चार्ज है, इस एबीसी तो यूज होगा, डी कह दो इसको, तो जो सेंटर पर रखा हुआ चार्ज है ये कितने फोर्स फील कर रहा है चार्ज, लेकिन सबके डायरेक्शन अलग होने की वजह से, सबके डायरेक्शन अलग होने की वजह से देखो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन उधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तो इस पर जो एफ एफ नेट है किस पर, डी पे, वो क्या आएगी, मैं बहुत सारे इनको अगर नाम दे दूँ, अगर मैं इसको नाम दूँ एफ वन, इसको नाम दे दूँ एफ टू, इसको नाम दे दूँ एफ थ्री, इसको नाम दे दूँ एफ फोर, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर एफ वन, वेक्टर सम करोगे, क्योंकि वेक्टर सम करना है, तो एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर क्या होगा, जीरो होगा, रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। इसी प्रकार, क्योंकि सबके डायरेक्शन अपोजिट है ना, इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि एक स्क्वायर है सेम, ऐसे प्लस क्यू यहां है, ऐसे प्लस क्यू यहां है, ऐसे ही प्लस क्यू यहां रखा है, ऐसे प्लस क्यू यहां रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यहां पर निगेटिव चार्ज है, मान लीजिए माइनस का क्यू है, तो सब तरीके से कंडीशन बता रहा हूं, तो ये क्या करेगा, ये डी पॉइंट दे दिए, अब ये इसको क्या करेगा भाई, ये चार्ज इसकी वजह से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, यानी कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, क्यू जो है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्शन साइड चली गई इसकी, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, अब ये वाला चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा, भाई देखिए सब चार्ज अट्रैक्ट करेंगे ना, भाई ये चार्ज चाहेगा मैं इसे खींच लूं, ये चाहेगा, ये वाला चाहेगा कि मैं भी इसे खींच लूं,
ये चाहेगा मैं भी इसको खींचूं, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी था, यहाँ हमने ई डालना चाहिए था, ये हमसे मिस्टेक हुई, ई कर दे रहे हैं हम, नाम बदल दे रहे हैं, क्योंकि चार कोने पे डी तो यूज हो गया ना। अब देखो ये वाला भी इसको खींच, ये वाला भी खींचना चाहेगा, तो एक बार बताओ इस पे भी तो नेट फोर्स जीरो हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर सेंटर पे रखा हुआ चार्ज पॉजिटिव है तब भी वो नेट फोर्स उस पे जीरो होगी, और अगर सेंटर पे रखा हुआ चार्ज नेगेटिव है तब भी सेंटर पे फोर्स जीरो ही होगी। यानी कि इस कंडीशन में भी एफ नेट क्या हुई, यहां पर भी ई कर दे रहे हैं तो क्या हुआ, जीरो ही आई, बिल्कुल सेम इसी की तरह। तो जो आपके मन में कंफ्यूजन था, कोई बच्चा सोच रहे होंगे, जैसे कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आपने प्लस प्लस से ही बताया, यहाँ अगर माइनस होता तो, देखो मैंने माइनस से ही बता दिया, अगर माइनस भी होगा तब भी यही होगी। समझता हूँ मैं आपकी समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ पाए होंगे। स्टूडेंट्स, जो इंटरमीडिएट का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था फिजिक्स का, उसमें आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं कल फिर इसको कैरी ऑन करूंगा और इसके आगे बताऊंगा, क्योंकि मैं क्रम से पढ़ा रहा हूँ। आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे पूरे चैप्टर की, तो आप ये कहेंगे कि पूरा ए टू जेड चैप्टर मिल गया। इसके न्यूमेरिकली भी पढ़ाऊंगा, सारे डेरिवेशन पढ़ाऊंगा और हर चीज़ पढ़ाऊंगा, मतलब मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको कंप्लीट मिलेगा, उसके अलावा कुछ बचेगा नहीं। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार सर ने पढ़ाया कुछ रह गया मैटर, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा कुछ रह नहीं जाएगा, इसमें सारी चीज़ें बता दूंगा आपको। बस धन्यवाद।